प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इसका उद्देश्य सभी दुर्गम स्थानों और जनजातीय गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए अच्छी और मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण करना है। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से न केवल गांवों की आमदनी बढ़ी है बल्कि गुणवत्तापरक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ी है। राज्य में 2016-17 तक 15,000 किलोमीटर से अधिक 7,000 सड़कें बनाई जा चुकी हैं। हमारे त्रिची संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। तमिलनाडु में 1,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है और 500 से 900 आबादी वाले गांवों में सड़क बनाने का काम लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। 2016-17 में तमिलनाडु में 1,366 किलोमीटर की 605 सड़कें बनाई गईं। तंजावुर जिले के वादशेरी के गजेंद्र का कहना है कि सड़कें बन जाने से कृषि उत्पाद को निकट के बाजारों में ले जाने में सुविधा हुई है। मैं ग्रामीण इलाके वादेशेरी का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सड़क होने के कारण हर मौसम में लोगों से संपर्क बना रहता है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। अब ट्रैक्टर सीधे खेतों से कस्बों और बाजारों तक लाए जा सकते हैं। तोड़ियालदा कोटई के शेखर का कहना है कि स्कूल और कॉलेजों का सड़कों से जुड़ जाने से पूरे गांव को लाभ मिला है। सड़क बन जाने से हमारे गांव के लोगों को ऑटो, स्कूल बस, ट्रैक्टर आदि कई प्रकार के वाहन मिल जाते हैं। अब मैं भी दो पहिया वाहन से अपने परिवार के साथ खरीदारी करने जा सकता हूँ। आर्थिक विकास के लिए यातायात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। त्रिची से के परमेश्वरन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं स्वाति रखेजा।